प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ जो कि अफसोसनाक खबर है। इंडियन क्रिकेट टीम विल नॉट बी प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में पाकिस्तान में होगी उसके लिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। जबरदस्त 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 शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। इंडिया की जो हुकूमत है उसने इनकार कर दिया है। क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? नहीं, इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहा। पाकिस्तान के साथ साथ यूएई को होस्ट बना दिया। अब आओ, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे जाके पाकिस्तानी जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं इनके, ये उल्टियां कर रहे हैं। बहुत ऊपर है। उम्मीद सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है। हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है कि तुम एक पीस ऑफ केक समझ रहे हो। तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच नहीं सकते। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली। ये आए तो सही, इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? मैं खुद बॉम्ब बैठ के ना इस मुकाम में जाना चाहता हूँ। यही तो बात है, गारंटी की वहाँ पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और तो नहीं आएंगे। हम वहाँ पे जाके खेल सकते हैं तो वो उनको भी आना चाहिए। अच्छी मेरा दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। अब इनका ये कहना है कि साहब किसी प्रकार से भारत को लेकर आओ। एज अ पाकिस्तान चाहता हूँ कि इंडिया आए, बड़ा दिल खुश होगा, लेकिन 70% मुझे लगता है इंडिया नहीं आएगा। अच्छा बात नहीं है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम को कड़वा पानी पेट से इनके निकल रहा है। यह हमारे मुल्क की अब जाकर सोवरेनिटी का मामला है। हाय अल्लाह। अब जाकर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हाय अल्लाह। अब जाकर वाकईतन के आपने खड़े होना है, आपने कंडा डालना है। हाय अल्लाह। इंडिया ने दोबारा से नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दी है कि हम पाकिस्तान में नहीं आए। हाय अल्लाह। अब ये हर सूरत पाकिस्तान के अंदर इन्हें आना है, आईसीसी ने बाउंड किया हुआ है। हलवा खाएं और सो जाएं। अच्छा, जब से भारत ने मना कर दिया है ना कि पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, इतनी मिर्ची लगी है दोस्तों, इतनी मिर्ची लगी है। अरे मेजर साहब, मिर्ची नहीं, मिर्ची का गोदाम लग गया है। पूरा बर्नौल का स्टॉक खत्म हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पत्रकार बावले हो चुके हैं, दीवानों की तरह दीवारों में सर मार रहे हैं और पूरी तरीके से बौखला गए हैं। मैं मेजर गौरव आर्या साहब को कल रात को सुन रहा था, पता है वो एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है। आय हाय, मेजर साहब बदतमीज और जाहिल किस्म के इंसान सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। आप हम हिंदुस्तानियों से पूछिए, मेजर साहब हमारे दिल में रहते हैं, दिल में। वाह भाई वाह। और मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ लेना। सुनते जाइए। जहालत दिखाने के अंदर पूरी दुनिया में अगर अव्वल कोई कौम है तो वो पाकिस्तानी है। हाँ भाई हाँ। मैंने सैकड़ों वीडियो बना रखे हैं पाकिस्तान की जहालत पे, कोई सा भी उठा के देख लेना। और सुन, सोचा तो था मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन मेजर साहब का ही एक वीडियो मिल गया जहाँ पे मेजर साहब खुद ही इन महाशय को अच्छी तरीके से रगड़ा लगा रहे हैं। वीपी स्टार ये कहते हैं सर बीबीएन स्पोर्ट्स वाला गाली दे रहा था आपको। बीबीएन स्पोर्ट्स क्या है? पाकिस्तानी यूट्यूबर। हाँ, कोई बात नहीं। देखो ऐसे है कि इसको बिल्कुल मिश्रा जी जवाब नहीं देना बीबीएन स्पोर्ट्स वालों को। अब देखो जैसे मैं जाता हूँ कभी ना ड्राइव करके घर जाता हूँ तो हमारे कॉलोनी में ना कुत्ते हैं, वो गाड़ी के पीछे भागते हैं। तो मैं थोड़ा ना गाड़ी रोक के दरवाजा खोल के उन कुत्तों के सामने फिर उनसे लड़ना शुरू बहस करना शुरू कर देता हूँ। नहीं, उनका काम है जब मेरी गाड़ी आएगी मेरी गाड़ी को सलामी देते हैं, 21 तोपों की भौंक के साथ दौड़ते हैं, सी ऑफ करके आते हैं। यही बीबीएन स्पोर्ट्स वाले का यही काम है, हमें लड़ना भिड़ना छोड़ना है। बेचारा पाकिस्तानी है, अपने दो रोटियां कमा रहा है, दो रोटी नहीं एक रोटी। एक रोटी भी नहीं मिल रही मेजर साहब, अभी तो आटे का बोरान वापस से आ गया पाकिस्तान के अंदर, आटा ही नहीं मिल रहा। मुल्क में आटा मिलों की जानिब से सप्लाई बंद होने से बड़ा बोहरान पैदा हो गया है। वापस से 5 किलो की आटे की बोरी के लिए पाकिस्तानियों की फाइट होने वाली है, बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आपको। आटे की जो जखीरा अंदोजी है और उसकी कीमतों में भी अब इजाफा होना शुरू हो गया, जबकि आवाम मुसलसल महंगाई के झटके सहने पर मजबूर हो गए हैं। पहले ही पेट्रोल का बोहरान था, इसके अलावा बिजली का बोहरान और अब एक नया बोहरान सर उठा रहा है। तो ये आटा नहीं मिलने की वजह से इन पाकिस्तानियों के दिमाग में चढ़ गई है गर्मी। ये हो चुके हैं अब जहनी मरीज। पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं और
और अरे कहना क्या चाहते हो? अब वो अपने आप को फौजी कहता है कि मैं अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल रिटायर्ड फौजी हूँ। उसको इतनी तमीज नहीं है कि एक फौजी जब चाहे दुश्मन मुल्क भी क्यों ना हो उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है, उसको तमीज के साथ बात करनी पड़ती है। भैया हमारे आर्मी के सिपाहियों को बताएंगे कि उन्हें क्या करना होता है। भाई वो सीधा देखते हैं, गोली ठोकते हैं सीधा पाकिस्तानियों को। हमारे हिंदुस्तानियों का एक ही उसूल है, जहाँ भी पाकिस्तानी नजर आए उसको ठोक दो। जर्नलिस्ट हो या फौजी हो या आपका डिप्लोमेट्स हो, उनको रिस्पेक्ट लेवल के साथ बात करनी चाहिए, चाहे दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो। इनको ये तमीज पता नहीं किसी ने सिखाई भी है कि नहीं सिखाई है। अब हम हिंदुस्तानियों के इतने बुरे दिन आ गए कि हमें तहजीब रिस्पेक्ट करना ये पाकिस्तानी सिखाएंगे। ये जहालत के शहंशाह ये भूखी नंगी कौम पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है पत्रकार मोशे प्रधानमंत्री लोग रखते हैं देश चलाने के लिए, लेकिन आपका पाकिस्तान मुल्क ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री सिर्फ भीख मांगने के लिए रखता है। आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने आया, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है। तुम्हारे प्रधानमंत्री के जितने भी दौरे होते हैं वजीर आजम के, वो सिर्फ भीख पे डिपेंड करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं अपना कटोरा फेंक के मारते हैं मुंह पे, और तुम सिखाओगे हमको तमीज? और माशे जी हम हिंदुस्तानियों को तो बाद में तमीज सिखाना है। तुम्हारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की नंबर वन पत्रकार है फिजा अकबर खान खलीफा, वो जहरीली नागिन, वो मेन स्ट्रीम बैठ के हमारे मोदी जी को गाली देती है, हमारे देश के पीएम को। मेजर साहब तो एक आम इंसान है, देश का पीएम तो सर्वोच्च नागरिक होता है, सर्वोच्च पद होता है, वो उसको तुम्हारी पाकिस्तान मीडिया में बैठ के कैसे गाली देती है? और बुक से भरा नरेंद्र मोदी, हम गाली नहीं दे सकते हैं। और मोदी जैसे बेगैरत इंसान ने, हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कह सकते हैं कि मोदी और उसके जो बुलुंगड़े हैं उन्हें आग किस बात की लगी है? हम अपने अपने मुल्क का केस लड़ सकते हैं। मोदी जी की तो बस हो गई, गुजरात का ये जो कसाई है, हम गाली नहीं दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को, बल्कि दरेंद्र मोदी को। जैसे आप लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, तो भाई आप रेस्पेक्ट के साथ तो ये बात कर सकते हो। एक्चुअली क्या है, रेस्पेक्ट वाली भाषा आप लोगों को समझ में नहीं आती है, प्रॉब्लम ये है। तो आप लोगों के लिए हमने रखे हुए मेजर साहब, हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया ट्रेड में, मोस्ट फेवर्ड नेशन। उस समय आप 26/11 कर रहे थे, तो यार देखो सुनो, हमें ज्ञान मत दो, सबसे बड़ी बात है हमें ज्ञान मत दो, क्योंकि अगर हम बोलने पर आए ठीक है, फिर तुम्हारे धागे खुलेंगे, धीरे धीरे तुम्हारे सारे धागे खुलेंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो ये जो पिक एंड चूज की बात करते हो ना, भारत को देखे भारत ये करता है वो करता, हम तो खुद ही कह रहे हैं भारत को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान के साथ। यहां से फोन मिलाओ तो पाकिस्तान में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ब्लॉक कर दे, आपका कोई संबंध ही नहीं हो किसी भी प्रकार का। और वो भाई साहब पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। और कौन सा तुम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हो? पूरी दुनिया में भीख मंगवाने पे तुम्हें मजबूर कर दिया, और ये अभी तक ये बंदा मानने को तैयार नहीं है कि हम तुम्हें आइसोलेट कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान में रहते हो, कहीं और रहते हो? IMF के आगे तुम्हारा PM नाक रगड़ता है। पहले तो 2-3 साल में एक बार रगड़ा करता था, अब साल में 3 बार रगड़ता है। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। अरे नान छोलों के लिए तो PSL खेलते हैं ये, पैसा इनके पास है नहीं। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनके, रिटायर्ड क्रिकेटर, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। मैं पाकिस्तान से ये कहना चाह रहा हूं कि यार जब हमारा 2026 में होगा ना मैटर, मत आना आप यार, वी डोंट नीड यू, प्लीज स्टे अवे। हमारे देश में गंद फैलाने की जरूरत नहीं है ठीक है। ये कूड़ा करकट अपना लाहौर और गुजरावाला और सियालकोट और इस्लामाबाद और कराची, वहीं पे कूड़ा करकट रखो। पर यार तुम्हारा जो इतिहास रहा है, तुम्हारी जो तारीख रही है, वो ऐसी रही है दोगलेपन की। खूब चिल्लाते हो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अब मार देंगे, 24 घंटे ऐसी बातें करते हो, फिर एंड में एक हल्की सी बोटी कोई फेंकता है और दुम हिला के पूरी 15 लोगों की टीम और स्टाफ पूरा का पूरा आ जाता है दुम हिलाते हुए, क्योंकि इनको बंबई देखना है, इनको दिल्ली देखना है। क्यों ऐसा करते हो? तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुमने तो कलमा पढ़ा है, तो कलमा पढ़ के क्या सीखा तुमने? जज्बे वाली कौम अगर तुम बन गए तो उसके बाद क्या सीखा तुमने? दिखाओ जज्बा अपना, मताओ इंडिया। मैं तो चाहता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं बाय गॉड वी डोंट वांट पाकिस्तानी, नो पाकिस्तानी शुड बी अलाउड टू कम टू इंडिया, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो नहीं खेलता। आप आओ मत ना, आप आओ मत, प्लीज डोंट कम, हम नहीं चाहते आप आओ यहां पे। तो भैया मैं तो इन पाकिस्तानियों से बोलना चाहूंगा कि जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारना चाहिए। तुम्हारा काम क्रिकेट के ऊपर रिपोर्टिंग करना है, सिर्फ वहां तक ही महदूद रही है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के लिए आपको अपनी ये जहरीली जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या? और हमारे देश के लोगों को ये सिखाने की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारी तहजीब और तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा कल्चर, वो तुम्हें मुबारक। हम हिंदुस्तानियों की सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी है और सबसे उन्नत सिविलाइजेशन हमारी है। तो अपना ज्ञान अपने टोकरे में रखिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।